तो ये देखते हैं कि हम सिंधी के अंदर जो है ना किस तरीके से ये अखबार का जो सेटअप है कैसे कर सकते हैं और इसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओके तो यहाँ पर हमने देखे इस तरह का एक सेटअप करना है अपने। तो पेज के ऊपर तो मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है और पेपर जो है यहाँ से ले लिया है साइज में जाके A3। A3 करने के बाद इसको थोड़ा जूम आउट कर लिया मैंने और मार्जिन्स अपने जो है ना बिल्कुल मैंने कर दिए हैं इसके, क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ते, तो 0.25 0.25 मिनिमम मार्जिन मैंने ये रख दिया इसके अंदर, तो कम से कम मार्जिन हो गया। होम में जाके डायरेक्शन को राइट किया है, अलाइनमेंट को राइट किया है। फॉन्ट साइज मुख्तलिफ चलेंगे इसके अंदर, तो लेकिन हमें फॉन्ट जो लेना है वो तो आपको पता ही कौन सा लेंगे, एम बी लतीफ़ी लेंगे। और यहाँ पे जाके 16 18 ये जो साइज है, जैसे ये 14 पे लिखा जा रहा है या 16 पे लिखा जा रहा है, ये फिर 12 पे लिखा जा रहा है, 10 पे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। वो फिलहाल आप लिख लें ज़्यादा बड़ा करके, फिर आप उसको बाद में छोटा मोटा कर लें। अब देखिए इसके पोर्शंस कैसे बनाएंगे, जैसे हम थोड़े से इसका एक पोर्शन बनाते हैं, फिर इसके बराबर में ये बनाते हैं और इसके नीचे 3 पोर्शन ये बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से किस तरह से काम कर सकते हैं, तो देखिए इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जब डेवलप करेंगे तो ये आपका बनता चला जाएगा। पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं, हमेशा याद रखें पहले फाइल को आपने क्या करना है, सेव करना है। तो सेव नहीं करेंगे आप तो फिर वो फाइल सेव आपकी नहीं होगी और फिर वो नहीं हो पाएगा काम। तो यहाँ पे हम चले गए और क्लास 32 कर देते हैं, सिंधी न्यूज़पेपर अरेंजमेंट, ठीक है। ये किस तरह से कर लिया हमने। सबसे पहले अब इसके लिए देखिए आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएं या शेप्स बनाएं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स शेप नहीं बना रहे हैं तो आप टेबल में भी ये काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम ये काम टेबल में करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे पास, क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज़ हैं, इसमें एक फिर 2 कॉलम हैं, फिर 1 2 3 4 रोज़ हैं इसके अंदर। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इंसर्ट में जाके हम पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं 1 रो के ऊपर, ठीक है। ये एक टेबल हमने क्रिएट किया। अब ये जो टेबल क्रिएट हुआ है तो इस पोर्शन के लिए हमें इसमें इतना बड़ा चाहिए, तो इसके अंदर 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 रोज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो 10 रोज़ होंगे तो ये हम काम कर लेंगे, 10 या 11 रोज़ ले लेते हैं। तो लेआउट में जाते हैं, यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रोज़ मैंने ले लिए फिलहाल, फिर जो कम ज़्यादा होंगी वो हम उसको कर लेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक तो स्प्लिट करके ये हिस्सा निकालना है। अच्छा, एक स्प्लिटर लगाएंगे यहाँ पे बीच में क्लिक करके। अब यहाँ पर एक बात को समझना है कि अगर आप यहाँ पे स्प्लिट करते हैं तो फिर होगा ये कि सिर्फ इसी में स्प्लिटर लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा फिर से इन सबको डिलीट में जाके रोज कर देते हैं और एक स्प्लिट यहाँ पे ऐड करते हैं। लेआउट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे स्प्लिट, स्प्लिट में मर्ज है, स्प्लिट सेल है, तो 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर देंगे और उसको इस तरह से करके यहाँ से रख के यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं। अब जब बिलो करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये यहाँ पे जाके पहले मैंने एक रो बनाई थी उसमें मर्ज में जाके स्प्लिट किया। स्प्लिट से मतलब ये होगा कि एक जो सेल है उसको कितने कॉलम में डिवाइड करना है, हमने 2 कॉलम में डिवाइड किया। फिर उसके नीचे जब रो ऐड कराएंगे तो जैसे ऊपर वाली रो होगी नीचे वाली रो भी वैसे ही ऐड होगी। तो ये देखें काम इस तरह से कुछ मामला तय पा जाएंगे। अब उसमें देखें क्या किया इसने कि ये वाली रो थोड़ी सी बड़ी रखनी है, तो हमने ये वाली रो दोनों सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि भाई ये वाली रो तो छोटी ही है, ठीक है, छोटी चलेगी। उसके बाद नीचे वाली भी छोटी है, उसके बाद नीचे वाली छोटी है, ये भी छोटी है, और फिर उसके नीचे एक छोटी सी एक रो बनाई जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये 1 2 3 और 4 रोज तो इसकी हो गई, तो 1 2 से हो गया 2 3 4, यहाँ तक का काम हो गया इसका। अब यहाँ पर इसमें क्या किया है कि इसने एक शेड लगाया है ब्लैक कलर का। टेबल डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे, यहाँ पर रिवर्स शेड करेंगे, तो अब यहाँ पर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वाइट आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपने इस तरह से कर लेना है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो सारा पोर्शन है इसमें देखें, एक तो इसने ये लाइन पे लिखना है, फिर उसके बाद ये ब्लैक करना है, फिर एक नीचे लाइन छोड़नी है, फिर एक इसके ब्लैक के अंदर लाइन छोड़नी है। तो ये तकरीबन ये ऊपर वाले हिस्से में लिखेगा डेली काविश तो इसके साथ ही आएगा, तो इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और उसके बाद भाई ये डेली का सिंध एक्सप्रेस लिख रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर आखिरी लाइन से 2 लाइनें ऊपर, तो आखिरी लाइन से 2 लाइन्स ऊपर, तो यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे और सबको इस तरह से लिखा जाएगा रोजाने। तो यहाँ पे रख के हम इसको कर देते हैं मर्ज, ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। उसके बाद ये आखिरी वाली रो के लिए हमने ये लाइन छोड़ दिए, और उसके बाद ये वाली लाइन जो है जमींदार सहाफत सिंह सिंधलावत,
ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इसमें भी काला शेड लगाना है तो शेडिंग्स में जाके यहाँ से क्लिक करना है और टेबल डिजाइन में शेडिंग्स में जाके यहाँ पे ब्लैक कलर के ऊपर अप्लाई कर देना है, इस तरह से आ जाएगा। चलिए हम इसमें टाइप कर देते हैं सिद्ध एक्सप्रेस। तो यहाँ से मुझे पहले अपना लैंग्वेज सिलेक्शन क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा और यहाँ लिख रहा हूँ सिंध, सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट हो गया। होम में जाके थोड़ा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं, सपोज टू बी 72 और इससे भी ऊपर जा सकते हैं तो 100 कर देते हैं, ठीक है सिंध। और इसके नीचे दो नुक्ते आ रहे हैं तो वो ऊपर सिंध के साथ, तो ये शायद यहाँ से आएंगे, डी ये कहाँ से आ रहा है, नहीं ऊपर वाले दो नुक्ते चाहिए, इससे आएगा शायद, ये आ गया सिंध एक्सप्रेस। तो यहाँ पे एक्सप्रेस लिख रहे हैं एक्स एक्स, अब ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको फिर फॉन्ट को छोटा करेंगे एक्सप्रेस, तो इस तरह से लिख लिया। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया फॉन्ट साइज काफी, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसको होम में जाके सपोज 80 पे करते तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसमें देखें ऐसे लिखा है, मिला के लिखना है इसको तो, और कम करना पड़ेगा 70 करके देखते हैं, 60 50, ये देखें ऐसे आ गया सिंध एक्सप्रेस लिखा हुआ। अब उसके बाद इसको सेंटर में करना है तो लेआउट में जाएंगे तो अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे, ये देखें सेंटर में यहाँ क्लिक करने पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से ये बनाना है सिंध एक्सप्रेस ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको जैसे मैंने आपके लिए इसमें लिख दिया टेबल के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा स्टाइल डिज़ाइन मजीद डालना चाह रहा था इसमें, तो फिर यहाँ पे होम में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा स्टाइल्स का, तो यहाँ से कोई भी एक स्टाइल आप इस पर लगा सकते हैं, इस तरह का रिवर्सल स्टाइल है या इस तरह का स्टाइल है, ऐसा स्टाइल है, कोई भी स्टाइल लगाएंगे तो फिर आपको लेआउट के अंदर टेबल डिज़ाइन और ये फिर आपको ऐसे नज़र आने लग जाएगा। अब उसको सेलेक्ट करके मजीद अगर होम में जाएंगे और इन्हीं डिज़ाइन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, जैसे इसने आउटलाइन ब्लैक दी है, व्हाइट कलर का फॉन्ट रखा है, तो यहाँ पे आउटलाइन जो है ना फिर आप यहाँ से ब्लैक करेंगे, ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है फिर यहाँ से क्लिक करके आप उसको व्हाइट करेंगे, तो ये व्हाइट फॉन्ट आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से सिंध एक्सप्रेस इस पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद ये रोजाने हैदराबाद जिम्मेवार सहाफत ये कैसे लिखा जाएगा, सेव कर लें, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से आप यूज करें वर्ड आर्ट को, तो यहाँ पे क्लिक करके इधर लिख के वर्ड आर्ट ले लें। अब ये वर्ड आर्ट कहाँ पे आ गया देखते हैं, कहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ से आप एक अदद वर्ड आर्ट ले लें। वर्ड आर्ट लेके आपने यहाँ पर से सपोज टू ये वाला वर्ड आर्ट ले लेना है, अब उसके बाद इसको आपने यहाँ से बैकस्पेस कर देना है, वही ठीक है, होम में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्शन को राइट करेंगे, अलाइनमेंट को राइट करेंगे और एम बी लतीफ़ी तो लिया हुआ है। अब जैसे इसमें लिखना है रोज़ाने हैदराबाद और रोज़ाने रोजाना लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर कर लेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, होम में जाएंगे, फॉन्ट साइज को कम करेंगे, 12 14 16 18 जहाँ पे रखना है आपने इसको, ठीक है वहाँ रख के इस पहले बॉक्स को उठा के और यहाँ उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट लेंगे इसका और यहाँ पर आप इसके लिखेंगे हैदराबाद, तो हैदराबाद में कंट्रोल डी इसको क्लिक करके यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट आ जाए हैदराबाद। अब इसी तरह से जिम्मेवार सहाफ़त सिंध मुलाजमत, तो यहाँ पे क्लिक करके इसी का डुप्लीकेट ले लें, ऐसे कर ले काम जैसे अगर अच्छा लग रहा है। अच्छा इसको एडजस्टमेंट में थोड़ा मसला होगा ऊपर नीचे, तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको आप कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्या करेंगे ऑलरेडी इन फ्रंट हुआ हुआ है तो क्या करें इसको, ये कर लें ठीक है,
और यहाँ पे जो भी अब सिंधी का हमारा टेक्स्ट है, जिम्मे वार सहाफत, तो इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, जिम्मे जिम्मेवार। सीन स्वाद सहाफत, जिम्मेवार सहाफत, सिंध सलामत। सही, ऐसे लिख के उसका कंट्रोल ए करेंगे, इसको 20 के फॉन्ट पर डाल देते हैं, तो ये ऐसे हजार आ रही है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए ये हिस्सा हमारा ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, फिर नीचे वाला जिल नंबर शुमारा वगैरह वो हम इस पर लिख देंगे। अब जैसे इसने यहाँ लिखा, विफाक आई सूबन जे तरक्याती प्लान लाए 3060 अरब मंजूर, माशी तरक्की हद अरब 3.6 करोड़। अब देखिए इसके लिए हमने ऊपर वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जाके पहले इस पर एक शेड लगा देना, टेबल डिजाइन में से लगा दें, यहाँ से जाके एक शेड ये लग गया, तो ऑटोमेटिकली फॉन्ट आपका रिवर्स हो जाएगा। फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 14 के बजाय यहाँ पे रखेंगे 16 का, ठीक है। अब इसको टाइप करने की कोशिश करें, वफा कहीं थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, थोड़ा 100% करके देखो कैसा नजर आ रहा है, छोटा है अभी भी, तो यहाँ पे छोटा है तो इसको क्लिक करके यहाँ से इसका सेलेक्ट करें, बढ़ाएं थोड़ा सा, ये सही है। वफाक आई, अब आई आई किससे आएगा, कीबोर्ड लेआउट खोल ही लेता हूँ मैं इसका, कहाँ पर है, अच्छा ये वाला, ठीक है रुपा कहीं सुबन जी तरक्की, टे हजार सठ डायरेक्ट लिखना थी, ठीक है बस ये पोए सची इनके फिल करना, तो ये टाइम दो